अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। मैं मोहम्मद तारिक, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं। तो माजरत के साथ, बहुत दिन हो चुके हैं कि मैंने वीडियो बनाने का कोई टाइम ना मिल पाया, तो मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं डाल सका। तो आज थोड़ा सा मौका मिला तो सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ अपनी जो छोटा सा फार्म है हमारा। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है हमारा जो मुर्गी का सेटअप है छोटा सा, और इसमें टर्की भी हैं और बतखें भी हैं। छोटी बतखें तो हमने ख़त्म कर दी हैं, और टर्की भी एक पीस हमने उसको भी यानी हलाल कर लिया। तो बाकी दो पीस बचे हुए हैं इंशाल्लाह, अभी ये सर्दियों में तकरीबन ये दोबारा ये एग लेन करेंगी अपनी टर्की जो है। तो बाकी जो है ना मुर्गियां अभी कुछ इसमें एज इनकी कम है, जिसकी वजह से मुर्गियां अभी जो है ना अंडे हमें नहीं दे पाई। तो आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आते ही इंशाल्लाह, सर्दी आते क्या, सर्दी तो आ चुकी है। तो आप भी अपनी मुर्गियों का जो केज है, इनका जो फार्म बना हुआ है, जो सेटअप है, आप लोगों ने उसको कवर कर लेना है, क्योंकि अभी रात की जो हवा है बहुत ज़्यादा ठंडी है और सर्दी लग रही है। मुर्गियों को बहुत ज़्यादा इश्यू बने हुए हैं कि मुर्गियों को जो नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह इस तरीके से जो भी बीमारी है, यानी वो सिर्फ सर्दी की वजह से ही मुर्गियाँ हमारी अपसेट यानी हो रही हैं, वो बीमार हो रही हैं सर सर्दी की वजह से। तो आप लोगों ने अपने जो केज हैं इनको कवर कर लेना है, यानी प्लास्टिक लगा लेनी है बाहर से जो है ना ठंडी हवा ना पहुंचे, और ऊपर जो है ना केज के ऊपर एक छोटा सा एग्जास्ट रखें जो इनकी जो गैस होती है वो निकलती रहे, ताकि इनकी आँखें ना ख़राब हों। तो ये गैस की वजह से इनकी आँखों के इश्यू बन जाते हैं, आँखें जो है ना इनकी वर्म आ जाती है, खुलती नहीं है। तो इस बहुत सारे और भी इश्यू बन जाते हैं, इनके पाँव की तलियां जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं अगर सफाई ना हो। तो वीडियो बिल्कुल ही छोटी सी है, आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी नए दोस्त हमारे वीडियो के साथ जुड़ते हैं उन सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि नई वीडियो भी हमारी आप तक आसानी से पहुँचेगी। तो इसी तरह आपने अपने जो फार्म हैं, उन जो पिंजरे हैं, केज हैं, घर में हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, तो उनका जो बेड है नीचे वाला, आप लोगों ने डेली यानी उसको नज़र रखना है, गीला ना हो। अभी सर्दी में नमी का तनाज़ जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो आप दोस्तों ने कोशिश करनी है कि उसको चेंज करते रहें, और सूखा रहे और जहाँ पर पानी का बर्तन हो उस जगह को ख़ास तौर पर नज़र रखनी है कि कहीं वो पानी नीचे जाकर ज़्यादा बीमारियों का मजमा ना बन सके। तो सारी जो है ना आप खुद ही नज़र दौड़ाएँगे अपने फार्म के अंदर, तो तब ही हमारा जो फार्म है वो कामयाब बनेगा। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर